एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की राह आसान होती नजर आ रही है, तो वहीं सदस्यता पाने को मचल रहे पाकिस्तान की कोशिशों को झटका लगा है। एनएसजी की सदस्यता के लिए तैयार किए गए नए मसौदे में भारत को शामिल करने की बात कही गई है और साथ ही पाकिस्तान को इससे बाहर रखने की वकालत की गई है। दरअसल आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन यानी ACA के मुताबिक एनएसजी के पूर्व चेयरमैन राफेल मेरियानो ग्रासी ने दो पन्नों का एक मसौदा तैयार किया है। ग्रासी ने यह दस्तावेज एनएसजी के अध्यक्ष दक्षिण कोरिया के सांग यंग वान की सलाह पर तैयार किया था, इसलिए इसे अर्ध आधिकारिक स्तर हासिल है। ग्रासी के प्रस्ताव में कहा गया है कि एनएसजी समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले गैर परमाणु अप्रसार संधि वाले देश एक दूसरे की सदस्यता को लेकर आपत्ति नहीं उठा सकते हैं। इसके साथ ही प्रस्ताव के मुताबिक भारत को एनएसजी से परमाणु सामग्री के व्यापार से संबंधित पहले से ही छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से उसकी दावेदारी बाकी देशों से ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही प्रस्ताव में परमाणु अप्रसार संधि से पाकिस्तान को बाहर रखने और भारत को शामिल करने की वकालत की गई है। भारत को एनएसजी का पूर्ण सदस्य बनाने के अमेरिकी प्रयास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब ट्रंप प्रशासन की होगी, क्योंकि ओबामा प्रशासन मोदी सरकार से किया गया अपना वादा 20 जनवरी तक शायद ही पूरा कर पाए। आपको बता दें कि भारत को एनएसजी की सदस्यता की दरकार इसलिए है क्योंकि इससे परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी खास समझौते के हासिल हो सकेगा। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले कचरे को खत्म करने में भी एनएसजी सदस्यों से मदद मिलेगी, तो वहीं साउथ एशिया में भारत चीन की बराबरी पर आ जाएगा। वैसे एनएसजी की दरकार भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी है। पिछली बार चीन समेत करीब 10 देशों ने भारत का विरोध किया था। ऐसे में देखना बाकी है कि पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत एनएसजी का सदस्य बन पाएगा या नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।